अरे जग्या सुना, बल्लू से जीते हुए रुपए कितने काम आए, शान बढ़ गई तेरी। और तू है कि मुझसे कह रहा था अब कभी नहीं जाएगा खेलने, पर एक बात बता, इतने सारे रुपए देने की क्या जरूरत थी अपनी जीजी को? और खेलते तो चार गुना ज्यादा जीत खिलाते। अरे वो मेरी जीजी है सुंदर, हर साल राखी पे उनको कुछ ना कुछ देता हूँ, और वो भी रास्ता देखती है, पूछती है किस बार तू क्या लाएगा मेरे लिए, और राखी का त्योहार कौन सा रोज रोज आता है। और तुमने देखा ना सुंदर, जीजी भी कितना खुश हो गई। हाँ वो तो है, पर अब क्या करें, जब तक जेब में ढेर सारे पैसे ना हो बल्लू के यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। कुछ बचा है तेरे पास या एकदम कड़का हो गया? हाँ, 200 रुपए। 200? ठीक है चल मेरे साथ। पर कहाँ? आज मैं तुझे बढ़िया सा सिनेमा दिखा के लाता हूँ। ये रख, डॉक्टर साहब ने कुछ नई दवाइयां दी हैं इस बार, और साथ में ये भी कहा है कि अपनी पत्नी से कहिए कि संगीत का अभ्यास करती रहे। संगीत से तेरा मन खुश रहेगा, मन खुश रहेगा तो तेरी सेहत भी अच्छी होगी, और इस सब का हमारे आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हाँ अरे जरा उसके गानों में तो पड़े ना, तेरा सुरीला गाना। अब मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं अपना ध्यान भी रखती हूँ, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हाँ हाँ, लेकिन अगर संगीत के अभ्यास से कोई हर्ज नहीं है तो करते रहना चाहिए। ले तू गाना मत छोड़ियो, समझी ना। अरे श्याम क्या हुआ, कुछ काम है क्या? जी कुछ नहीं काका साहब, वो यूं ही टहलते हुए इस तरफ आ गया और आपकी बात मेरे कानों में पड़ी। काका साहब आप जो अभी काकी साहब से कह रहे थे वो सही है क्या? मतलब क्या सच में संगीत सुनने से आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है? हाँ डॉक्टर साहब ने तो यही बोला है। सोया ना जगदीश? अब तक बत्ती जल रही है। देखो तो कैसे किताब बांचते बांचते सो गए हो। छोड़ो मारो लाडे सर, कितनी मेहनत से पढ़ाई करे है। भारत में पिछले 100 सालों में जो महान विभूति निर्माण हो गए हैं उनमें से एक कीर्ति के महान कवि, साहित्यकार और नए शिक्षण माध्यम के प्रवर्तक डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ। इनकी गीतांजलि को मिले नोबेल पुरस्कार से इनका नाम विश्वविख्यात हो गया। इन्होंने जागरण करके
जे बेकार की बातों में काई समय बर्बाद करे छोरी। दादी साहब मैंने रसोई का सारा काम कर लिया। कर लिया ना, तो फिर हम सो जा। किताबों में सर खपाने से थारी आंखें ना खुलेगी सुबह। और तू तो जाने मैं सुबह तड़के उठते ही स्नान करते ही थारे हाथ की चाय मांगू तो कौन बनावेगो? किसी और के हाथ की चाय ना पीऊंगी मैं, समझ गई? दादी साहब मैं जल्दी उठ के सुबह आपके लिए चाय बना दूंगी। अब बस ये एक बात कर लूं, परीक्षा पास आ रही है ना, मुझे अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही। सच्ची बिल्कुल नींद ना आवे तने। तो एक काम कर, मारे लिए जरा तेल गरम करके ले आ और मारे कमरे में आके मारे पैरों की मालिश कर दे। दिन रात दौड़ धूप करते करते ऐसे दुखे मारे पांव के, क्या बताऊं? एक भी बींदनी इस ढोकरी से पूछने ना आवे एक बार भी कि मासा आपके हाथ पैर में तेल की मालिश कर दूं के? आ पूछे पर वही ना, तू ही तेल गरम कर ला मारे छोरी। अरे जल्दी जा छोरी, बहुत पैर दुखे मारे। जा जल्दी जा, अब बहुत दर्द होवे। हाँ जगदीश, अरे ओ जगदीश उठ छोरे, उठ जा, जा बस क्यों दाईसा, अभी सुबह भी नहीं हुई। अरे ना 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 ना, बस तू उठ जा जल्दी से, उठ उठ। अरे पर क्या हुआ दाईसा? अरे मरी नाक कटावेगा के? इधर तू पैर पसारे आराम से सोवे है, उधर थारी बिंदनी किताब में सर घुसाए रट्टा मारे है। ऐसे ही चलता रहा तो इस साल भी थारी बिंदनी के थोड़े से ज्यादा नंबर आ जावेंगे और तू मुंह तकता रह जावेगो। चल उठ जल्दी से, पढ़ाई कर। राधेसा सुबह तो जाने दो, सुबह उठ के पढ़ लूंगा। ये सुबह ना, अभी अभी क्या, अभी चल अभी पढ़ लो राधेसा। हाँ मन लगा के पढ़। हाँ नहीं दादी साहब, पूरी कक्षा में अब बढ़ानो है। जा दे जा दे, के बातों किया तो तारे से। अब बढ़ावे गो तो नोटों का पूरा बंडल बिना गिने थारे हाथों में धर दूंगी। चले पढ़, चले चाट जा पूरी किताबें। काम से पढ़ाई के लिए तो समय निकाल लेती हूँ, पर दादी सा वो मुझे पढ़ने ही नहीं देती। पढ़ूंगी नहीं तो परीक्षा कैसे दूंगी, पास कैसे होंगी मैं? बापू आपने मेरा ब्याह क्यों किया, सासरे क्यों भेज दिया मुझे? अगर मैं आपके और माँ के पास रहती जी भर के पढ़ाई करती, माँ मुझे कोई काम करने के लिए ना कहती। माँ कहती लाड़ो मैं सब कर लूंगी, तू बस पढ़ाई कर। माँ मुझे अपने पास बुला लो ना माँ। चली और मालिश करना। तो
मेरी कहाँ चली? काम करने को कहा तो नींद आने लगी। चल ठीक से मालिश कर। हाँ ये अच्छा है, छोटा सा सुंदर सा, यही दे दो भाई जी, और एक अच्छे से डिब्बे में बांध के देना जी। कितना है इसका? इसका है भाई जी 2350 रुपये। भाई जी इसे रहने दो, बाद में आके ले जाऊंगा। बाद में क्यों भाई जी, अभी ले जाओ ना, ऐसा पीस बार बार नहीं आता है मार्केट में। वो थोड़े पैसे कम पड़ गए, लेकिन आके ले जाऊंगा इसे बाद में। क्या मजाक कर रहे हो भाई जी, आपको पैसों की क्या कमी? आप तो इतने बड़े घर के घर जमाई हो, आप चाहो तो लाखों का माल उठा सकते हो। 2350 रुपये तो आपके लिए चिल्लर है चिल्लर। तो रामलाल से बात हुई है मेरी, प्रति क्विंटल 1,207 का दाम लगाने को तैयार है वो। बुरा नहीं है मसा, मैं तो कहता हूं गोदाम की आग में जो भी अनाज बच गया उसे निकाल देना चाहिए। हाँ भाई साहब, देखिए वैसे ही बहुत नुकसान हो गया और मुझे लगता है कि जल्दी दाम बढ़ने वाले हैं, अगर हम लोग कुछ दिन और रुक जाएं तो। नहीं 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 भैरों, भाव इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। हाँ ठीक है, मंडी में जाएंगे चार पैसे और मिल जाएंगे, लेकिन मोल तोल करने का समय किसके पास है? अरे कौन पड़े सब झंझट में। मैं तो कहता हूं रामलाल को बेच दो और छुट्टी करो। हाँ मैं चला जाता हूं मंडी। और भाव तोल करके बेचाऊंगा अनाज। ना ना श्याम, अरे ये इतना छोटो सो काम अपने सर पे क्यों ले बे तू? अरे छोटा काम कैसा दादी सर, मंडी जाके अनाज ही तो बेचना है ना, क्या बुराई है इस काम में? कोई और कर ले बेगा, रामलाल से बात ना बनी तो बहुत लोग हैं अपने पास, भेज देवेंगे किसी को। पर मैं क्यों नहीं जा सकता दादी सर? अरे यही तो मैं पूछूं कि तने क्या जरूरत है जाने की? मैं काम करना चाहता हूं दादी सर। अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहता हूं, इसीलिए एक बार कोशिश तो करने दीजिए आप। और रामलाल जी ने जो भाव कहा है, अगर मंडी जाके उससे ज्यादा में बेच सका तो उसका मुनाफा मेहनताना समझ के मुझे दे दीजिएगा। अरे थारी भली होवे छोरा, दो पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में अपने जमाई को मंडी भेज के थू थू ना करानी अपनी। हाँ ना ही ऊपर से अपने जमाई को मेहनताना दे के मने नरक जानो है। जरूरत है तो बोल, जितने पैसे चाहिए मिल जावेंगे, पर तू इस घर का जमाई है, ये छोटे मोटे काम तने शोभा ना देवे, समझा? अरे देवी माँ की आशीष से कोई कमी ना आए अपने घर में, वो कितने पैसों की जरूरत है तने? मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता दादी साहब, मैं जानता हूं कि इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर इंसान को अपनी मेहनत के बलबूते पे ही जीना चाहिए, और अपने घर का ही तो काम है,
इसमें शर्म जैसी तो कोई बात है नहीं। देखो श्याम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम तुम्हें मंडी में अनाज बेचने के लिए नहीं भेज सकते। क्यों नहीं काका साहब? अरे फिर वही बात, कह दिया ना तो ना। श्याम, तुम्हें अपनी मेहनत से ही कमाई करनी है तो ठीक है, बहुत सारे काम है, उनमें से कोई भी काम कर लेना। अरे तो खेती बाड़ी का काम संभाल ले, और अगर ना हो तो मेरे और बहनों के साथ कचहरी का काम संभाल ले। अनुभव की कमी है ना? अरे सब हो जाएगा, पढ़ा लिखा है, सब सीख जाएगा दो चार दिन में, और क्या। अनुभव के लिए ही सही काका साहब, बस एक बार मुझे अकेले जाने दीजिए आप, और अगर अपने दम पे कुछ करूंगा तभी तो जान पाऊंगा कि क्या मेरे बस में है और क्या नहीं। और मान लीजिए अगर कुछ नहीं भी हुआ तो आप और काका साहब तो हैं, आप लोग जो कहेंगे मान लूंगा मैं। अरे हाँ श्याम, लेकिन भाई साहब रहने दीजिए ना, अगर शाम का इतना ही मन है तो करने दीजिए इससे काम, और शाम भी तो अब हमारे ही परिवार का सदस्य है। चलो अब जिद पे अड़ी गयो है छोरा, तो जाए जाके बेच आए सारो अनाज मंडी में, पर माखन सिंह को साथ ले जाने में तो कोई अड़चन ना है ना, मदद कर देवेगा। नहीं दादी सा, उन्हें ले जाऊंगा मैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 7 अगस्त 1941 को। उनके माता पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और माँ का नाम था शारदा देवी। शाबाश। रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक और नाम से भी पुकारा जाता था, वो क्या था? गुरुदेव। अब जल्दी से रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ कविता संग्रह सुना दे। सुनातरी, मनासी और चतुरंगा, नहीं क्या था वो नाम, क्या हुआ आनंदी, तू गीतांजलि कैसे भूल गई? तूने अपनी सारी पढ़ाई की है ना? ताई जी मैंने सब पढ़ा है, पर एक बार पढ़ने से थोड़ी ना सब कुछ याद रह जाएगा, तभी तो परीक्षा के पहले बार बार पढ़ते हैं ना। पर दादी सा वो जब भी मुझे किताब के साथ देखती है तो नाराज हो जाती है। पता है ताई जी, कल रात जब मैं अपना पाठ याद कर रही थी तो दादी सा आ गई, कहने लगी सो जा नहीं तो सुबह आँख ना खुलेगी। फिर मैंने जब उन्हें कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही तो कहने लगी मेरे पैर में मालिश कर गरम तेल से। तो मैंने कितनी देर तक मालिश की, रात को पढ़ने का समय ही ना मिला मुझे। तो तुझे सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए थी ना आनंदी। सुबह भी दादी सा नहीं तो मुझे उठाया है, उनके लिए चाय बनानी थी ना, फिर एक के बाद एक कोई ना कोई काम बताती गई वो, पढ़ने का समय ही ना मिला मुझे। जब मैं अपने माँ बापू के पास रहती थी तब जब भी परीक्षा है माँ मुझे रसोई में जागने तक ना देती थी, जितना मन करता उतनी पढ़ाई करती मैं। आनंदी तू जा अपने कमरे में, अगर रात को पढ़ाई नहीं हो पाई तो अब कर ले, काम मैं संभालूंगी। पर ताई जी अगर दादी सा ने देख लिया ना तो मुझे भी डांट पड़ेगी और आपको भी। तो अच्छा एक काम कर, यहाँ रसोई में बैठकर अपना पाठ याद कर ले। यहाँ ताई जी दादी सा आ गई तो? आनंदी तू डर मत, मैं हूं ना, जैसे मैं दादी सा को यहाँ आते हुए देखूंगी तुझे बता दूंगी, और तू झट से अपनी किताबें छोड़कर मेरे पास आ जाना। अब तू जा और अपना पाठ याद कर। ताई जी आटा तो गूंथ लो। मैं कर लूंगी।
शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, उन्होंने स्वयं का अभिषेक करवाया। बाल विवाह न केवल बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है, बल्कि उन्हें उनके मूलभूत अधिकार शिक्षा से भी वंचित कर देता है।